हेलो बच्चों, पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के कार्यक्रम में मिशन शिक्षण संवाद टीम आप सभी बच्चों का स्वागत करती है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम के भेद, जूनियर स्तर और शीट क्रमांक है 60। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम के भेद को हम समझ लेते हैं। सर्वनाम के भेद, बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है उसका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि पुरुष, पहले आज हम जो बच्चों पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही जानकारी देंगे आपको। तो हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, जब दो मनुष्य आपस में बात कर रहे हों, एक बात करने वाला हो, दूसरा सुनने वाला हो और वो दोनों मनुष्य किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हों, तो वहाँ पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ऐसे स्थान पर जो वाक्य बोले जाते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं सर्वनाम के, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बच्चों कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, आप, तू, तुम, वह, वे आदि शब्द आते हैं। बच्चों, इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग होते हैं, वे शब्द जो होते हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण पढ़ रही हूँ कि राजू ने कहा तुमने देखा, रविदास जी ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। अब इस वाक्य में बच्चों 3 सर्वनाम शब्द आए हैं, जैसे मैंने, तुमने और उन्हें। इसमें मैंने शब्द जो है वो बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किया है और सुनने वाले के लिए उसने क्या कहा है? तुमने शब्द, है ना। और उन्हें, उन्हें शब्द जो आया है बच्चों ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों, उसके लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? उन्हें शब्द का प्रयोग किया है। अतः बच्चों ये जो 3 शब्द हैं ये क्या हुए? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। चलिए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अब इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, जैसे उसने, मुझे और तुम। तो उसने, मुझे और तुम, मुझे यानी बोलने वाले ने अपने लिए शब्द प्रयोग किया है और तुम यानी कि सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है और उसने यानी कि तीसरे व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में उदाहरण है, है ना। अब इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम कि मुझे प्रेम हो गया है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैंने आज व्यायाम नहीं किया, तुम एक बहादुर लड़की हो, वह हमारा मित्र नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे प्रेम हो गया है यानी कि बोलने वाले के लिए ये वाक्य मुझे शब्द आया है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं जो शब्द आया है वो भी बोलने वाले के लिए आया है, मैंने आज व्यायाम नहीं किया, मैंने जो शब्द आया है सर्वनाम शब्द ये भी बोलने वाले के लिए आया है, तुम एक बहादुर लड़की हो,
ये जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है तुम शब्द यहाँ पर, वह हमारा मित्र नहीं है, वह शब्द जो है यहाँ पर सर्वनाम शब्द, वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया गया है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो मुझे जो है वो अपने लिए बोलने वाले ने अपने लिए किया है, और उसकी जो शब्द आया है वो किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए आया है। बच्चों, इससे पहले की शीट में हमने आपको कुछ होमवर्क कार्य करने के लिए दिया था, चलिए अब हम उनके उत्तर देख लेते हैं। बच्चों, पहला इसका उत्तर है कि सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो सर्व प्लस नाम होता है। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है किसी का नाम। इस प्रकार ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर किया जाए, उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इसका दूसरा उत्तर है कि सर्वनाम के तीन उदाहरण हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। दूसरा उदाहरण है वह कल तक आएगा, और तीसरा उदाहरण है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बच्चों, आज फिर हम आपको अभ्यास कार्य करने के लिए दे रहे हैं, चलिए उसके प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से होते हैं, यह आपको लिखना है। और दूसरा इसका प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के चार उदाहरण, कोई से भी चार उदाहरण आपको लिखने हैं। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो शीट क्रमांक 60 का सार, जिसे आपने अच्छे से सुना और देखा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।